Per day, Dr. Pratibha, talented, and all rounder. My best wishes for better thank health so much. And happiness on all of your life. Thank you so much. मेरा नाम सुरेश पटेल है और मैं एक प्रोड्यूसर हूँ और ये मेरी बहन है, मुंहबोली बहन। आज इसका बर्थडे है, मेरी तरफ से इसको ढेर सारी शुभकामनाएं और ये जीवन भर खुश रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। रिकॉर्डिंग आज इनका बर्थडे जी, हम तो बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे इनको। और क्या बोले अब, इनके इनकी तारीफ़ करने के लिए थोड़ा बहुत शब्द जुटाना पड़ता है, हमें हमारे पास है नहीं लेकिन इनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा इनका हर कार्य कुशल मंगल हो, सर्वगुण संपन्न तो है ही, अब इनके बारे में तारीफ़ क्या करें। थैंक यू सो मच। मैं सो लवली ब्रदर, ढेर सारी शुभकामनाएं इनको हमारी तरफ से और बाकी सब लोगों के लिए। थैंक यू, थैंक यू। मेरी तो शुभकामनाएँ यही है कि बाकी ज़िंदगी में इनके डबल ही खुशी हो, सिंगल खुशी नहीं डबल ही हो, जो इनके साथ और भी कोई खुशी बांटने वाला हो, बस इतना ही काफी है। थैंक यू सर। बताइए क्या कहना चाहेंगे आज मैम का। द वेरी नेम प्रतिभा मींस इंस्पिरेशन एंड वी टेक अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम डॉक्टर प्रतिभा। थैंक यू सर। प्रतिभा इज आल्सो ट्रीटिंग माय लेग। वेल, बेस्ट विशेस टू यू। रियली माय प्लेजर। बी हैप्पी एज यू आर हैप्पी, सीइंग यू हैप्पी, आई एम हैप्पी। We're all so happy. Thank you so much. Best of wishes to you. God bless you. Thank you so much. Sir, दो दिन से मच्छर बहुत ज़्यादा। दो आ गए। मैम का बर्थडे क्या कहना? बड़ी खुशी का दिन है आज जी, और प्रतिभा जी आपको बर्थडे की बहुत 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 शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। आने वाला वक्त आपके लिए खुशियां लाए, जिंदगी की हर खुशी आपको मिले, और ये बर्थडे आपके लिए ऐसे बर्थडे बन जाए कि आप हमेशा हम सबको याद करें। थैंक यू। आपने हमें बुलाया, प्यार दिया और ज़िंदगी में खुशियाँ मिलती रहें। थैंक यू सो मच साहिल जी, बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच जी। ये हमारी डॉक्टर साहब प्रतिभा जी, इनकी जैसी लड़की मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं देखी। ये इतनी टैलेंटेड हैं, इतनी अच्छी हैं, इतनी प्यारी हैं, बस परमात्मा इनको ऐसे ही खुशियाँ देते रहें और आने वाला साल जो है इनकी ज़िंदगी का बेस्ट ईयर हो, ये मेरी तरफ से दिल से कामना है। आई अंडरस्टैंड। और अगला ईयर हम बहुत धूमधाम से मनाएं। थैंक यू सो मच। हेलो, बताइए क्या कहना चाहेंगे। चलिए, हैप्पी बर्थडे, बर्थडे का बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। भैया के अच्छा हो। थैंक यू सो मच। आज प्रतिभा का बर्थडे है, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। इसकी मेरी मुलाकात कुछ महीने पहले हुई थी, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टर प्रतिभा ने मेरा ट्रीटमेंट किया, आज मैं चलने लायक हूँ, सिर्फ इसकी वजह से हूँ। जो उसने सेवा की है, आज की डेट में सारे बच्चे भी नहीं कर सकते हैं, दो दो घंटे तक सेवा करना, तीन तीन घंटे सेवा करना कोई नहीं कर सका। और ये बहुत टैलेंटेड सिंगर भी है, मेरी दो फिल्मों में गाना भी गा रही है। हम दिसंबर में बाहर जा रहे हैं, मलेशिया, हांगकांग, सिंगापुर, कोरिया, ताइवान, कंबोडिया, बैंकॉक, जिसमें ये एक्टिंग भी करेगी और इनके दो गाने भी हैं उसमें। आई विश ऑल द बेस्ट इन आवर लाइफ। आज हम मौजूद हैं बहुत ही बेहतरीन सिंगर प्रतिभा जी के साथ। प्रतिभा जी को मैं मिला केवल जी के ऑफिस में, इनकी आवाज़ सुनी मैं कायल हो गया, और आज मुझे मौका मिला इनकी इंटरव्यू करने का। तो हाँ जी प्रतिभा जी, आज आपका जन्मदिन भी है और इस खुशी के मौके पे आपका इंटरव्यू लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुझे। हमारे दर्शकों को बताइए कैसे शुरुआत हुई आपकी और आने वाले आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं। मैं जी गा तो शुरू से रही हूँ जी, और मैं स्टेज शोज वगैरह कंटिन्यू करती थी। वेरी नाइस। एंड चाहा तो पहले ही से था कि मैं प्लेबैक सिंगिंग करूं जी, मगर एक ये मन में था नहीं, एक जुनून जिसको कहना चाहिए जी। मैं जैसी थी ठीक थी और मेरी प्रैक्टिस डेली चलती है, मगर हमारा एक एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद मेरा एम ही बदल गया। हाँ, तो केवल जी से मुलाकात कैसे हुई आपकी? मैं केवल जी से, इंडस्ट्री के सीनियर हैं वो जी, उनके साथ उनके ही उनके एक्सीडेंट टाइम पे हम उनको मिले हैं। अच्छा।
और सॉरी एक्चुअली मैं खुद ही भूल जाती हूँ घड़ी घड़ी जी। नहीं नहीं कोई बात नहीं। हाँ हेड इंजरी हो चुकी है हमारी, मेरी याददाश्त का प्रॉब्लम है और केवल सर का एक्सीडेंट हुआ जी और मैं उसी टाइम में उनको मिलने के लिए आई भी थी और कोई नहीं था उनके पास उस समय पर और हमने उनको फर्स्ट एड दिया। फर्स्ट एड देने के बाद में आगे तक उनका ट्रीटमेंट चलना था जी, जी। और चूंकि कोई पास में था नहीं जी और मैं लगातार उनको दवा देती रही और उनका ख्याल रखती रही, उनका खाना पानी सब कुछ जी। बहुत ही बढ़िया, बहुत सबब का काम किया आपने। और केवल जी जैसी मशहूर हस्ती, मतलब इंडस्ट्री के बहुत सीनियर हैं वो, आपको उनकी सेवा का मौका मिला और आपने भी शिद्दत से उनकी सेवा की, ये बहुत ही सबब का काम किया। हमें बहुत अच्छा लगा, दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। सिंगिंग के साथ आप बहुत अच्छी रूह की मालकिन हैं और केवल जी के साथ भी कोई प्रोजेक्ट कर रही हैं आप? जी केवल सर का अभी प्रोजेक्ट है तुम बेवफा हो। अच्छा, उसमें मेरे दो सॉन्ग हैं। वेरी नाइस। और आने वाले टाइम पे आगे भी उनके सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो मैं कर रही हूँ। अच्छा, सूत्रों से हमें पता चला है कि आप उनकी फिल्म भी कर रही हैं, जो बताना नहीं चाह रही शायद दर्शकों को। जी अभी बहुत जल्दी आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमारी उसमें एक्टिंग भी है। क्या बात। और आई एम आल्सो ब्यूटिशियन, मैं मेरा पार्लर था और उसमें हम हर चीज़ कर रहे हैं, हर चीज़ का मतलब ए टू जेड जो मुझे आता है। अच्छा। मैं सिंगिंग करती हूँ, सिंगिंग करूँगी, एक्टिंग तो करेंगे ही और प्लस मैं ब्यूटिशियन हूँ तो वो भी करूँगी और मैं डॉक्टर हूँ तो सबका ख्याल रखती हूँ, यही मेरी वजह है कि मैं रोक बहुत लगाती रहती हूँ। मल्टी टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड। यस, और ये मेरा दायित्व तो है, मेरा फर्ज भी है, इंसानियत होने के नाते मैंने ये सब कुछ किया है। कोई ऐसा अहम जो आप चाहती हैं, जो आपका मतलब सपना हो? मेरा सपना ही सबका सपना है। नहीं, आप बहुत सारे काम करती हैं, उनमें से कुछ ऐसा जो आपका मकसद हो, जो ये मुझे मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी कंप्लीट हो गई, पूरी हो गई। पूरा तो कभी नहीं पाता है इंसान, आपका खुद का कोई अहम ऐसा? मेरा खुद का कुछ नहीं है, मैं जब कुछ अच्छा कर दूंगी ना तो मेरे भी मम्मी पिताजी ना वो जो ऊपर हैं जी, तो ये हो जाएगा कि ना जो बेटी होती है ना कि वो भी कुछ कर सकती है। जैसे सबके मम्मी पापा का नाम ऊंचा होता है ना, तो मेरी भी मम्मी पापा का नाम खूब ऊंचा हो। क्या बात, क्या बात, आसमान से भी ऊंचा हो उनका नाम। बहुत जरूर होगा। और केवल सर ने मुझे ये मौका दिया है जी, और अशोक सर जी उन्होंने मुझे मौका दिया। आई लव यू सर जी, वो बहुत अच्छे सर जी हैं, उनके अंदर बहुत ममता है और वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। और एक साहिल जी है जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, वो बहुत अच्छे हैं और वो बहुत अच्छा बोलते हैं जी। थैंक यू। और सॉरी, मैं कभी कभी मैं गुस्से में बोल देती हूँ क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था ना, तो मेरे सब पूरे टूट चुके हैं, मेरे को इतनी तकलीफ होती है ना, मैं चिड़चिड़ी थोड़ी हो जाती हूँ। बाकी मेरी आत्मा बहुत साफ है, शुद्ध है, प्योर सोल है एकदम, आप पता है। ये बात सचमुच की है, मैं किसी की भी मदद कर देती हूँ, मैं किसी को भी नहीं पहचानूंगी तब भी कर दूंगी, चाहे वो कोई भी बंदा हो। अब जब मैं सब करूंगी ना तो मुझे तब बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने किया है, क्योंकि सब लोगों को मैं देखती हूँ ना, उनके पापा उनके, मगर मैंने तो मम्मी पापा को देखा भी नहीं है तो मगर सोचे पड़ जाते, मगर मुझे भी अच्छा लगेगा, वो तो देखते हैं ऊपर से नीचे। बिल्कुल बिल्कुल देखते हैं जी, बिल्कुल देखते हैं। तो हम चाहते हैं कि उनको भी बोले सब लोग, फिर वो ऊपर से कहीं ना कहीं से आपको देख रहे हैं और आपकी सारी आने वाली मनोकामनाएं पूरी हो। और आपके साथ आपकी इंटरव्यू लेके बड़ा अच्छा लगा मुझे, बड़ी अच्छे दिल की मालकिन है आप, इतनी अच्छी कलाकार हैं, इतनी अच्छी डॉक्टर हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं, और आपके जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसके लिए बेस्ट विशेस, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नमस्कार, मैं एक्टर राजमोहन, मैं बॉलीवुड की बातें चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि आज सिंगर प्रतिभा सैनी जी का जन्मदिन है और जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं उनको देना चाहता हूँ। थैंक यू। और यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं बॉलीवुड के दिग्गज प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स, उनके मैं ये भी चाहता हूँ कि उनका आशीर्वाद आपको मिले। जरूर। थैंक यू। और आप बहुत नेक दिल इंसान हैं और
मुझे तो बहुत सपोर्ट किया है आपने। आज मैं यहाँ पे हूँ इन दिग्गज लोगों के बीच में, तो आपकी वजह से हूँ। पर अल्लाह सबको करता है। जैसे आपने बोला केवल सर प्रोड्यूसर कनाडा के हैं और लोग बॉलीवुड के दिग्गज लोग हैं, उनके बीच में मुझे मौका मिला है आपको मतलब सेलिब्रेट करने के लिए, तो आपकी वजह से मिला, तो मैं आपका बहुत धन्यवाद, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मेरी आप मुँह बोली बहन है जो मतलब बहुत सपोर्ट करती है, तो मैं यही चाहूँगा कि आप सब बॉलीवुड दिग्गज लोगों का आशीर्वाद हम भाई बहन पर बना रहे। इसी के साथ धन्यवाद। ऊपर अभी आप गुरु जी क्या कहना चाहेंगे आज मैम का? मैंने उनको आशीर्वाद दिया है कि आप खूब तरक्की करो, स्वस्थ रहो और आपकी शोहरत सारी दुनिया में फैले और आप परमात्मा में डिवोट रहो, अपने काम को फोकस करो और उसी के ऊपर अर्जुन की तरह जी और मर जाओ। कार का कारक है और आज आपके किस्मत में लिखा था इसलिए मेरी जेब में से आपके तक पहुंच गया। ये भी अपनी जगह ढूंढ रहा था, ये लड़की ले गई थी बेचने के लिए, वापस लेके आई। राइट।